नमस्कार। नागरिकता संशोधन बिल पर जिस तरीके का देश में बवाल हुआ, जम्मू कश्मीर इससे बहुत ज्यादा बचा हुआ है, मगर कुछ आशंकाओं को देखते हुए अब कुछ राजनीतिक कुछ सामाजिक दल सामने आए हैं और सबसे बड़ी पहल की है जम्मू कश्मीर में नेशनल सिख फ्रंट ने। उन्होंने यहाँ पर एक संवाददाता सम्मेलन कर ये कहा है कि किसी भी तरीके की इस नागरिकता बिल का जम्मू कश्मीर में कोई नुकसान नहीं है। ये पहली बार है कि सामाजिक संगठन सामने आए हैं। अभी तक जो राजनीतिक संगठन आए हैं वो कांग्रेस दूसरे हैं, मगर वो दूसरी लीग पर चल रहे हैं। अब विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर शाखा ने भी इस बात को आगे लाया है। खबर यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्मठ कार्यकर्ता कश्मीर से कन्याकुमारी तक जगह जगह पर जाकर ये बताएंगे कि इस नागरिकता बिल पर भारतीयों को कोई भी नुकसान नहीं होगा और ना ही अल्पसंख्यकों को, खास करके मुस्लिम समुदाय को। जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसका वो काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भी आगे आने वाली है। कहा जा सकता है देरी से उठाया गया मगर सही कदम है, मगर इसकी भरपाई कुछ पहले ही नेशनल सिख फ्रंट कर चुका है, क्योंकि नेशनल सिख फ्रंट के चेयरमैन सरदार वरिंदरजीत सिंह पिछले 4 दशकों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। उन्होंने भी पहल करके एक सुखद अनुभव दिया है। कहा जा सकता है कि इसके लिए सभी अब चिंतित हैं। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि अब जम्मू और कश्मीर के सभी सरकारी अस्पतालों में मशीनों की देखभाल के लिए नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर ने एक नया टोल फ्री नंबर और एक हॉटलाइन नंबर जारी किया है? जी हाँ, अस्पतालों में किसी भी तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स खराब होने पर अब आपको टोल फ्री नंबर 1-800-102-0433 या हॉटलाइन नंबर 9121-896-777 पर एक कॉल करना है और बस 24 घंटे के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा तलब किए गए इस कंपनी के ट्रेन्ड इंजीनियर आकर खराब मशीन की जांच करेंगे और मशीन को ठीक भी करेंगे। Electronics Shopee, J&K's biggest mobile wholesale cum retail outlet.